मैं जो है ना बच्चों के लिए बनाऊंगी डोसा। काफी दिन से तो जो है ना हम खाना जो है ना हाथ में चोट की वजह से जो है ना बाहर से ही खा रहे थे। चलिए जी डोसा बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले जो है ना हमको भिगोने पड़ेंगे चावल और चने की दाल। तो इस वाले मौसम में जो है ना इसकी जो है काफी ज्यादा जरूरत होती है जी। अभी जो है ना शाम की सब्जी लेने के लिए जो है मैं मार्केट जा रही हूँ शहरी को लेकर। और काफी देर से जो है ना मौसम ऐसा ही हो रहा था, घटा वाला होता, और जाने के टाइम पे जो है ना एकदम से जो है ना बूंदाबांदी जो है शुरू हो गई है। तो अभी ज़्यादा तेज बूंदाबांदी नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी है। तो शहरी और मैं काफ़ी दिन बाद जो है ना सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं मार्केट। चले भी तो बस अभी जो है ना हम सब्जी लेने गए थे और आधे रास्ते में से जो है शहरी और मैं हम दोनों जो है भाग कर आ गए हैं। अभी शहरी काफ़ी तेज जो है बारिश होने लगी, आधे रास्ते से हम वापस आ गए। फिर अभी थोड़ी देर बाद जाऊँगी जब बारिश बंद हो जाएगी। और देखिए मौसम, देखिए धूप भी हो रही है और बारिश भी आ रही है, और ऐसा मौसम हो रहा है कुछ दिल्ली का। तो इस वजह से ही जो है ना तबीयत भी जो है लोगों की ख़राब हो रही है, क्योंकि गर्मी भी है और एकदम से बारिश पड़ जा रही है। भाई भीगो मत, आ जाओ चलो। यहाँ पर जो है बच्चे चाय भी लेकर आ गए हैं और बारिश जो है बंद हो चुकी है, और मैंने जो है यहाँ मशीन लगा ली है। और चाय किसने बनाई है, शहरी ने बनाई है या गुड्डू ने बनाई है, किसने बनाई है? शहरी ने बनाई है, तो ज़रूर मीठी चाय होगी। हाँ शहरी, तो चलिए जी दोस्तों चाय पी लेते हैं, आ जाइए आप भी आ जाइए। शाम का और गुड्डू भैया ने डैक चला दिया है, और जब मैं चला रहा डैक मेरे से नहीं चलता, और राज भैया ने चला दिया। तो चलिए जी डोसा बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले जो है ना हमको भिगोने पड़ेंगे चावल और चने की दाल। तो जी हम बताएंगे किस तरीके से जो है हम डोसा बनाते हैं, और आप सभी के साथ जो है ना रेसिपी भी शेयर करती हूँ, और कितने झटपट से जो है ये हमारा डोसा जो है बन के तैयार हो जाएगा। यम्मी का यम्मी। एक घंटा जो है हमको बस ये जो है ना दाल और चावल इनको भिगोना है, और डोसा बना के तैयार करते हैं और आपको भी दिखाएंगे। तो एक कटोरी जो है मैंने चावल ले लिए हैं, और यहाँ पर जो है ना आधा कटोरी के हिसाब से जो है ना मैंने चने की दाल ले ली है। और बस अब इसको जो है एक घंटे के लिए जो है भिगो के रख देते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको हम भिगो के रख देंगे एक घंटा के लिए, और दोनों चीज़ों को जो है ना साथ में जो है ना भिगो के रखना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, कैसे हो आप सभी? तो जी आज अपने ब्लॉग की शुरुआत जो है ना शाम के वक्त ही हो रही है। तो यहाँ पर जो है ना आज मैं जो है ना बच्चों के लिए बनाऊंगी डोसा। काफ़ी दिन से तो जो है ना हम खाना जो है ना हाथ में चोट की वजह से जो है ना बाहर से ही खा रहे थे। तो बच्चों के लिए जो है उनका कुछ मनपसंद जो है वो भी नहीं बना पा रही थी, तो सोचा चलिए जी गुड्डू शहरी की पसंद का कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने दाल, चने की दाल और चावल, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को दिखाया है भिगोते वक्त, तो भिगो दिए हैं। और यहाँ पर जो है ना आलू बैंगन जो है वो भी काट लिए हैं मैंने, तो आलू बैंगन की सब्जी भी बनाऊंगी, क्योंकि गुड्डू के पापा जो है डोसा नहीं खाएंगे। और यहाँ पर जो है मैंने आलू उबाल दिए हैं, जो आलू का मसाला बनेगा। तो जी अभी जो है ना शाम के जो है 7:30 हो रहे हैं, और खाने की तैयारी कर रही हूँ। और मौसम जो है ना एकदम से बदल गया है, और काफ़ी तेज जो है हमारे यहाँ बारिश हो रही है। तो गुड्डू भी छत पे ही गया है, मैंने कपड़े डाल रखे थे ना, तो वो उनको उतार नहीं गया है। मुझे पता है वो ज़रूर बारिश में जो है ना नहा रहा होगा, तो मैं उसको देखने जा रही हूँ, फिर आके जो है खाना बनाऊँगी। तो चलिए जी आपको मौसम भी दिखाती हूँ। तो जी पहुँच चुकी हूँ छत पे, और जी मौसम जो है ना एकदम से बदल गया है। सुबह से जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप थी, और एकदम से जो है तेज़ बारिश होने लग गई है, और हवा भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही है। और मैंने तार पे जो है कपड़े डाल रखे थे, और जी गुड्डू ने जो है ना उतार के जो है यहीं फेंक किया है, और दूसरी वाली छत पर जो है नहाने चला गया है, और अभी उससे जो है काफ़ी डांट भी पड़ने वाली है। मैंने सोचा था वो यहाँ पर है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है, वो सामने वाली छत पर चला गया है। तो चलिए जी चलती हूँ नीचे, यहाँ का बंद कर देती हूँ। कल भी फ़ोन जो है ना मेरा भीग गया था, कल मैं जब सब्जी लेने गई थी ना, तो आधे रास्ते से ही जो है मेरे को वापस आना पड़ा था, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी और फ़ोन मेरा भीग गया था। और बस अब चलते हैं नीचे, और नीचे चल के जो है खाने की तैयारी करते हैं।
तो जी दिल्ली के मौसम का हाल ना कुछ इस तरीके का है, एकदम से धूप होती है और एकदम से जो है ना बारिश आने लग जाती है। तो मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा उमस भरा मौसम है और आज जो है काफ़ी ज़ोरों की बारिश हो रही है। तो यहाँ पर बस खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं, तो मसाले तैयार कर रही हूँ यहाँ पर मैं, और प्याज और अदरक लहसुन जो है वो सब मैंने जो है ना काट के जो है रख लिया है। और जी मैंने जो है ना शुरू कर दी है, तो जो मेरी दाल है ना ये भी अब अच्छे से भीग चुकी है, इसको धो के जो है मैं पीसूंगी। और आलू बैंगन जो है काट लिए, यहाँ मसाला जो है मैंने तैयार कर लिया। और जी यहाँ पर जो है प्याज फ्राई हो गई है और फटाफट से जो है मसाले को जो है डाल देते हैं इसके अंदर। क्या हो गया, काफ़ी ज़ोरों की बारिश हो रही थी और जीने में से जो है ना एकदम पानी काफ़ी तेज़ आने लग गया था और छत जो है ऊपर से जो है ना पूरा भर गया है। और जो हमारी छत की मोरी है ना उसको भी जो है ठीक करवाना पड़ेगा क्योंकि वो छोटी जाली वाली है। और गली भी जो है पूरी ऊपर तक जो है भर गई थी पानी से, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है आज हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ जो है ना 7 बजे से जो है लगातार बारिश हो रही है और देखिए 9 बजने वाले हैं, 8:30 हो गए हैं, वो भी ऑफिस से जो है अभी आए नहीं है। पूरे घर में जो है पानी भर गया, पूरे कमरों में जो है पानी भर गया, पूरे किचन में पानी भर गया, पूरे हॉल में। और बारिश जो है ना अभी जो है बंद हुई नहीं है और अभी जो है छत पे से जो है ना पानी आ ही रहा है। और आज जो है मैं बच्चों के लिए जो है ना डोसा बनाने वाली थी तो उसकी मैंने जो है तैयारी कर रखी थी। तो देखिए जी अभी जो है सब कुछ ऐसे ही बने रखा था, बस मैंने अभी बस सब्जी जो है छोटी है और सब्जी के अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। और बारिश जो है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, काफ़ी तेज़ अभी बारिश हो रही है और मैं उनका जो है काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, वो अभी तक जो है ऑफिस से आए नहीं है। बारिश इतनी हो रही है कि हर जगह जो है ना पानी भर रहा हुआ, तो कहीं फंसे होंगे रास्ते में वो भी। तो बारिश की वजह से जो है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है काम बढ़ गया, काफ़ी मुश्किल हो गई है मुझे। और मेरे को खाने के टाइम पे जो है ना अब दोबारा से जो है क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और पूरे ही घर में जो है पानी भर गया था तो यहाँ पर जो है ना फिर मेरे को काफ़ी टाइम लगा था क्लीनिंग करने में। और फिर ये भी जो है ना आ चुके हैं ऑफिस से और इस टाइम पे जो है थोड़ी सी बारिश जो है ना बंद हो गई थी। और जी 7 बजे से बारिश हो रही है, पूरी छत ऊपर तक भर गई पूरा। अभी तो धुलाई करी है मैंने, पूरा अंदर कमरों में भी चला गया, पूरे कमरों में भी पानी है सारे में। तो हमारा ऑर्डर जो है ना आ चुका है और ये क्या है ये बताएंगे, रूम फ्रेशनर। हाँ तो जी मौसम जो है बरसात का मौसम है ना तो घर में जो है ना महक सी ऐसी हो रही है जैसे बारिश में आती है ना महक, अजीब सी महक आती है, तो इसलिए जो है ना रूम फ्रेशनर मंगाया है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा है ये, कुटुई खोलेगा। तो जी दिन है संडे का, आज इनकी भी छुट्टी है और ये भी हमारा चूहा भी आ चुका है और ये टीवी में जो है ना रोज आके सबसे पहले ये चूहा राजा ही लगवाता है और इसी को देखता है। और व्लॉग बना रही हूँ तो मैंने इसकी जो है ना टीवी की आवाज़ कम कर दी है। तो जी बरसात का मौसम है ना तो घर में जो है ना अजीब सी महक आती है और चद्दर वगैरह में से बेडशीट में से भी ना अजीब सी सीली सी महक आती है। तो अभी जो है हमने ऑर्डर कर रखा है 2-4 दिन से, क्या ऑर्डर किया था भाई हमने, रूम फ्रेशनर। तो इस वाले मौसम में जो है ना इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये लग जाते हैं अपने घर के काम में, सबसे पहले जो है ना कमरे से ही शुरू करेंगे, काफ़ी दिन से जो है सही से काम भी नहीं किया मैंने। और जी यहाँ पर गुड्डू ने जो है ना रूम फ्रेशनर डाल दिया तो काफ़ी अच्छी महक आ रही है उसकी। और सबसे पहले जो है ना नाश्ता पानी जो है वो तो हमने कर लिया है और इस वाले कमरे से जो है शुरू करती हूँ मैं। एक उसमें ना 2 आए हैं, कितने के हैं गुड्डू ये, 200 रुपये के जो है ना 2 आए हैं और काफी जो है साइज भी जो है ना इनका बड़ा है। वाह बहुत अच्छी खुशबू है, लेवेंडर है ना एक, और एक कौन सा है, एक वाइट फ्लावर है। और आया तो ये शहरी के लिए है लेकिन इसको अपना बाबू बना के ये रखता है। किसका बाबू है ये, आपका बाबू, इसे खाना खिला दो। कहाँ है इसका मुंह, कहाँ है इसका, इसकी आंखें कहाँ, इसकी आंखें कहाँ हैं, आंखें बताओ आंखें। और इसके 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 होठ कहाँ हैं, इसके होठ कहाँ हैं, होठ कहाँ हैं इसके होठ। अभी इसको और देखना है किसके अंदर और क्या, एक और है इसके अंदर, एक आप ले जाओ अपने घर, आप ले जाओगे एक अपने घर ले जाओ ठीक है। ये वाला भी, दोनों ले जाओ, दोनों दोनों ले जाओगे, जाओ खड़े हो जाओ, ले जाओ जाओ जाओ
जाओ जाओ, कितनी जल्दी उठ गया। जाओ जाओ लेके जाओ, लेके जाओ, ले जा रहे हो अपने घर, ले जा रहे हो। हम नहीं रखे इसे, हम नहीं ले इसे। किसका है ये, किसका है ये, किसके है ये? वो समझ रहा है परफ्यूम, समझ रहा है ये परफ्यूम नहीं है, परफ्यूम नहीं है। इसको कहाँ पर लगाते हैं आरू, इसको कहाँ पे लगाते हैं ये बताएगा आरू, आरू इसको कहाँ पर लगाते बताना जरा। सबसे पहले जो है ना इस वाले कमरे से ही करती हूँ, सारे बिस्तर वगैरह जो है बेड में रख देती हूँ। पेन निकले हाथ में ये ला के दिया है और मम्मी ये पहन रही है कि पापा से इसलिए नहीं पहन रही क्योंकि पापा एकदम जोर लगा देंगे और मम्मी को फिर दर्द होएगा, है ना। और मैं यहाँ पे खा रही हूँ पपीता क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तो जी ये इन्होंने मेरे को ला के दिया है, ये भी पहनते हैं क्योंकि कई बार जब बाइक चलाते हैं ना तो इनके भी हाथ में जो है दर्द हो जाता है, तो ये सपोर्ट के लिए होता है। तो अब मैं जो है घर का काम करूँगी ना, तो इस वजह से जो है इसको काफ़ी सपोर्ट मिलता है इसको पहनने से, अंगूठे को। हाँ, तो अंगूठा जो है ना फिर हिलता नहीं है, काफ़ी सपोर्ट भी होता है। तो इस तरीके से जो है ये मैंने पहन लिया है और अब लग जाते हैं अपने काम में। मैं घर का कर रही हूँ और वो बाहर से सारा जो है साफ कर रहे हैं। तो चलिए जी, इस कमरे के बिस्तर वगैरह जो है मैंने रख दिए हैं, उस वाले कमरे को मैं करके आ गई हूँ साफ। बाहर से जो है इन्होंने सारा साफ कर दिया है और मैं भी जो है ना बस लगा लेती हूँ झाड़ू। और मैंने ये पहन लिया है सपोर्ट के लिए। देखो क्या कर रहे हैं, पापा ने आरफ को पकड़ रखा क्योंकि ये ना कूद रहा है, ये कूद रहा है गिर ना जाए। उल्टी बर्तन मांज रहे हैं और मम्मी पोछा लगा रही है और आरव और पापा मस्ती कर रहे हैं। मम्मी का थोड़ा हाथ ठीक है तो मम्मी उसी हाथ से लगाने की कोशिश कर रही है थोड़ा। घर की क्लीनिंग हो गई है और अब जो है ना इसमें से एक निकाल लेते हैं और रूम फ्रेशनर जो है ना ये वाला डाल देते हैं पूरे घर के अंदर। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? ये दिख जाए ना इसको बस। और अब जो है ना घर की क्लीनिंग हो गई है, मैं पूरे घर में जो है इसको डाल देती हूँ। और आरू की मम्मी ने बोला है कि आरू को सुला के भेज दो, है ना। आप सो जाओ, आप सो जाओ। आलू का पराठा सुनाओ, आलू का पराठा सुनाओ। क्या चाहिए, ये चाहिए। क्या करोगे इसका, सारे में डालोगे? डाल दो सारे में, डाल। जब कूलर चलाएंगे ना तो कूलर में से जो है ना महक आएगी फिर अच्छी। तो पूरे घर में जो है डाल दिया है और इसको सोने के लिए बोला है ना, सो जाओ आप। चलो निन्नी करो, निन्नी करो।